अब बात सीआरपीएफ की लेडी कांस्टेबल खुशबू चौहान की, जिनका पूरा देश दीवाना हो गया है। एक डिबेट के दौरान लेडी कांस्टेबल ने इतना जोशीला भाषण दिया कि सुनने वाले बस सुनते रह गए। पिछले 48 घंटे में लाखों लोग इस वीडियो को सोशल साइट्स पर देख और शेयर कर चुके हैं। आप भी सुनिए खुशबू की बातें और हो जाइए उनके दीवाने। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं, और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं, जो हाथ बांधे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है, अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अब जल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अब जल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो, और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। सिर्फ 48 घंटे में इस वीडियो को लाखों लोगों ने देख लिया, हजारों लोगों ने शेयर कर दिया और करोड़ों लोगों ने लाइक कर दिया। सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल के जोशीले भाषण ने देश को अपना दीवाना बना दिया है। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशत अधजले शरीर के टुकड़े, रेत के टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल फहराने से ज्यादा मैं कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। कांस्टेबल खुशबू चौहान का ये देश के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अंदाज है। 233 बटालियन की कांस्टेबल खुशबू ने जब अपनी बोली से जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग पर सीधा प्रहार किया तो पूरे हॉल में तालियां गूंजने लगी। महोदय, जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ। परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो, और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। खुशबू ने अपने भाषण में न्यायिक व्यवस्था से मानवाधिकार तक पर बवाल मचाने वालों को बताया कि आतंकियों और नक्सलियों की मौत में मानवाधिकार मत तलाश कीजिए, शहीद की बूढ़ी माँ, विधवा पत्नी और अनाथ बच्चों का दर्द देखिए। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में एक इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों के बंगलों की आंखों की नाकपनी हंसती है, और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। 27 सितंबर को दिल्ली में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी ने डिबेट का आयोजन किया था। टॉपिक था मानवाधिकार का पालन करते हुए आतंकवाद से निपटा जा सकता है। कांस्टेबल खुशबू की बारी आई तो उन्होंने टॉपिक के विरोध में बोलना शुरू किया, और जब वो बोलने लगी तो मानवाधिकार की दुहाई देने वाले सोच में पड़ गए। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डरते हैं, क्योंकि महोदय, भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर
वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे, दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा, ना ही तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी। और महोदय, मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं। जो हाथ बांधे सेना के, ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। खुशबू चौहान का ये करीब 5 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है, हर कोई वाह वाह कर रहा है। मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शालों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़ के जंगलों में सीआरपीएफ के जवान ही आतंकियों और नक्सलियों से सीधा मुकाबला करते हैं। इसलिए खुशबू के दर्द को लोग सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ये देश जहां कमजोर पड़ जाता है, खुशबू उसी कमजोर कड़ी को मजबूत करने की मांग कर रही है।